एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सैयद शाह एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। देखते हैं आज की ये खबर। ये उसका रिप्लाई दे दिए हैं और पिटिशनर के जो काउंसिल है उसका कॉपी दिया गया है और उसके बाद काउंटर आर्गुमेंट्स या रिटर्न आर्गुमेंट्स या ऑब्जेक्शन फाइल करने के वास्ते अक्टूबर 23 केस एडजोन किया गया है। मेरी लास्ट टाइम पे आपने कहा मामला तो गलत, अगर मैं रिपोर्ट दे दिया तो बैठाना पड़ता कटर रिपोर्ट जी, इस वास्ते थोड़ा खान के हिसाब से जाना पड़ता। तो अभी इंक्वायरी आपके हाथ से निकल के कोर्ट में चले गई, जल्दी अगर जल्दबाजी में रिपोर्ट दे दिया जी तो कोर्ट मेरे पूछता जी और हाईकोर्ट के कटर में बैठाना। अच्छा, ये तो जल्दबाजी भी नहीं, साहब 4-5 महीने के ऊपर ही हो गया है। उनके हिसाब से अगर दिया अपॉर्चुनिटी दो, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देना पड़ता है, अगर अपॉर्चुनिटी दे दिया एक तरफा मैं डिसीजन दे दिया या फैसला दे दिया या फाइलिंग्स दे दिया तो परेशान है। इसी वास्ते कानून के हिसाब से चाहूँ तो टाइम लगता, मेरे रिपोर्ट्स अब तक हाईकोर्ट में जितने भी मैं रिपोर्ट दिया हूँ 4-5 साल से काम पूरे हाईकोर्ट में कोई नकल हुए हैं और उसको करोड़ों का फायदा हुआ है। और एक बात यह है कि हम पेंडिंग में डाला हुआ तो ऐसा कुछ तो है क्या? अब तक मेरे कोई एमएलए कोई एमपी 5 साल में कोई फोन नहीं करा जी, मैं करे तो भी अच्छी बात बोल तू नहीं है, ये चल रहा देखेंगे वो तब तक। मैं कानून के हिसाब से काम करता हूँ, उनके हिसाब से काम करता हूँ, कोर्ट को फायदा होता है कभी नहीं, किसी को फायदा होता है, मौजूदा वक्त में मुल्क के ऐसे माहौल रेस्पॉन्डेंट को फायदा होता है, एक नुकसान होता है।